7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. And I love you to all. Wow, kya baat hai. Jo jo bhi aap present mange hai mom dad se wo aapko mile. Huh? और क्या क्या मिला आपको? मुझे क्या क्या मिला? कुछ मिला था मैं गिफ्ट बेटा गिफ्ट जो मिला वो बताओ। मुझे ना मिला घर पे। अच्छा आज के दिन कैसा सेलिब्रेट किया आपने? सारे गांव पे सेट पे कैसे सेलिब्रेट किया? किसने सरप्राइज किया? कुछ शेयर करना चाहेंगे आज? कोई ना हम सोते कभी हम रात को बल्ब ग्रीन सोते हैं, कभी हम मम्मी को सरप्राइज कर देते हैं। तो मैंने अभी केक काटा था तो मम्मी ने हमको केक पे चीन लगा दिया। चीन पे केक लगा दिया? हाँ। और मम्मी ने बोला चलो हम सुबह को केक काटेंगे, बोल दिया मम्मी, हम सो गए उसके बाद। Okay, Jayas, who loves you more, mommy or dad? I loves dad and mommy. No, who loves you more? My more love is mommy. So daddy gussa ho jayenge. आपके टीचर आपके साथ हैं जो आपको एडिक्शन आप एडिक्शन से ठीक कराते हैं, तो कितने स्ट्रिक्ट रहते हैं आपके? सोनिया मिश्रा तो बहुत तजुर्बा है इस बारे में। इस उम्र में इतना अच्छा कोई नहीं सीख सकता, और इसने जो ख़ुद का तो नाम रोशन किया ही है, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, लेकिन मेरा भी बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है इसने। और जो स्टेज पे डायरेक्ट मेरा नाम लेके बताया था कि अंसारी सर ने बोला खूबसूरत, वो तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है इस फील्ड के लिए। और इसे याद था वो तमाम चीज़ें, मैं तो इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा स्टूडेंट सबका होना चाहिए। तो आपको सिंगिंग करके क्या बनना? एक्टिंग करना। तो वो क्या बनना? क्या मुझे सिंगर बनना होगा, जस्टिन बीबर बनना होगा। तुम तो अभी से बन गए बेटा। किस दिन क्या फॉलो करते हो आप? किसका सॉन्ग ज्यादा सुनते हो? सारी सर का जो फॉलो करते हैं। और किसके सॉन्ग सबसे? मोहम्मद सर किसके सॉन्ग? मोहम्मद सर के गाना सुनता हूँ। और मोहम्मद सर को फॉलो करता हूँ। वेरी गुड। अब मोहम्मद सर का वो गाना जो तुमने गाया था, तू इस तरह हमने लास्ट ईयर देखा था, और एक साल में इनकी हाइट इतनी बढ़ गई है इनके गाने की तरह। करेक्ट, क्योंकि इनका म्यूजिक भी बड़ा है। जयेश आपको क्या बोलना है? इनको क्या बोलना है आपके सेवेंथ बर्थडे पे? छोटे भगवान का सेवेंथ बर्थडे है, क्या बोलना है आपको? थैंक यू बोलना है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 7 साल का हो गया हूँ। 7 साल का हो गया हूँ और मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा। हाँ करूँगा कि अभी करेंगे सब मिलके, है ना? ठीक। और आपका नया गाना भी लॉन्च हो रहा है ना, उसके बारे में भी तो कुछ बताओ ना। हाँ मेरा गाना लॉन्च होने वाला है। अच्छा जी। और मैं भी केक काटने वाला हूँ। अच्छा, अरे वाह, वो तो तुम काटोगे 100%। और अच्छा थोड़ा सा गाना सुना दो यार। चलो शाबाश, वाह क्या बात है, ये अपना हीरो है छोटे भगवान, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा।
और ये सुपरस्टार बनेगा, आप देखेगा। सच्ची बात, हमेशा हमेशा गॉड ब्लेस यू। और ये आपका ये जो सेवंथ बर्थडे है ना, और हम लोग आएंगे फिर 21वें बर्थडे पे, 25th पे, ठीक है? तब आप बहुत बड़े स्टार होंगे, ऐसे खड़े नहीं होंगे हम लोग, बड़े भगवान हो जाएंगे तब। हाँ, तब बड़े भगवान हो, तब आप ये बड़े भगवान हो जाएंगे। मैं तो हम बड़े भगवान हो जाएंगे। चलिए आप बड़े भगवान। और मैं विनोद जी और अरविंदर जी की तरफ से छोटे भगवान यानी जयेश कुमार को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते भाइयों, हेलो। सर क्या कहना चाहेंगे, जयेश का जन्मदिन है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले आज का? जयेश का बर्थडे यानी मतलब भगवान का बर्थडे। जयेश को हम सब छोटा भगवान कहते हैं, और उसमें वो सारी क्वालिटीज और जो सारी बातें उनकी हमको याद आ गई आज। और जैसा भी टाइम मिला, हम थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन शरीक हो गए हम, और बहुत इन्जॉय करने वाले हम लोग, बहुत धमाल करने वाले हैं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जयेश के बर्थडे में मैं आ सका हूँ। और सारेगामा के सेट पे किस तरह का माहौल रहता है जब जयेश सेट पर रहता है? जयेश की अलग ही एनर्जी है, मतलब वो मैं बोल नहीं पाऊँगा शब्दों में, शायद नहीं बोल पाऊँ कि इतना अच्छा मतलब लगता था हर चीज़। उनके बोलने का अंदाज़, उनकी म्यूजिकलिटी और उनका जो एक टाइमिंग बोलने का रहता है, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें, पर यह है कि वो म्यूज़िकल भी उतना है और वो कुछ वाकई में अलग है, सब बच्चों से कुछ अलग है वो। आज के खास मौके पर कोई गाना या ऐसा कुछ डेडिकेट करना चाहेंगे जयेश को? मैम सबसे पहले जयेश का जन्मदिन है, कितना मतलब कितना परेशान करता है, कितना नॉटी है, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? जयेश बिल्कुल भी नॉटी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही मैं कहूँगी सुलझा हुआ बच्चा है। फॉर हिज एज 7 साल की उम्र है, लेकिन आई थिंक अगर नॉटी होगा भी तो मेरे ख्याल छोटी मोटी बातों में होगा, बट अदरवाइज बहुत ही स्टेबल बच्चा है। और इतने स्टेबल मतलब उसके पेरेंट्स भी बहुत सेंसिबली उसको बड़ा कर रहे हैं, तो ही इज़ एक्चुअली अ वेरी स्वीट चाइल्ड। मेरे पास ऐसा कोई नॉटी उसका वाकया नहीं है जो मैं बयान कर सकूँ, बहुत प्यारा बच्चा है। देखिए मुझे लगता नहीं कि कोई प्रेशर है जयेश पे, इनफैक्ट मुझे लगता है कि म्यूज़िक से बहुत उसकी पर्सनालिटी में एक निखार आया है, जो आई थिंक उसकी मदर ने भी कहा था जब हमारा शो चल रहा था। एक तो म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेप्यूटिक चीज़ है, और मेरे ख्याल जो भी बच्चा म्यूज़िक से या किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़ता है उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार ही आता है। प्रेशर वो तब बन जाता है जब आप कॉन्स्टेंटली उसको एक दिशा में धकेल रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जयेश के पेरेंट्स इस मामले में बहुत सेंसिबल हैं, और जिस तरह से वो बच्चे को बहुत बचा के अच्छे से चल रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई प्रेशर सिचुएशन है जयेश के लिए। आज के खास मौके पर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे जयेश को? गाने तो बहुत सारे हैं, अभी मैं क्या गाऊँ? ओके माइन वेल आईव मेरे काफ़ी सारे अभी गाने आते रहते हैं। अभी रिसेंटली आई डिड अ सॉन्ग फॉर दिस मूवी कॉल्ड रेवा, विच इज़ अ गुजराती फिल्म एंड इट्स रनिंग ऑल ओवर इंडिया, एंड अ सीरियल विच इज़ चकोर वाला सीरियल कौन सा है यार, मैं सीरियल का नाम भूल जाती हूँ। ओके दैट्स दिस वंडरफुल लोरी आई सैंग ऑल्सो फॉर उड़ान, उड़ान सपनों की सीरियल। सो या लॉट ऑफ थिंग्स एंड अदर थिंग्स यू विल बी हियरिंग वेरी सून। थैंक यू सो मच।